नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं बम कुमार। पंचायत चुनाव कवरेज के तहत आज हम फुल्ली डूमर प्रखंड के फुल्ली डूमर पंचायत में हैं। यहां से निवर्तमान मुखिया सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें एक उम्मीदवार है सीता देवी। इनका चुनाव चिन्ह है कैमरा 6 क्रमांक 9 पे। कैसी चुनौती आप वर्तमान मुखिया को दे पाएंगी? बोलो। अपना गांव में जैसे मतलब कि चलते हैं, जब हम निकल जाएंगे चुना चुन में तो हम उसमें विकास करेंगे अच्छा से। गांव समाज में जो भी है वो अच्छा से विकास करेंगे, पूरा जनता को लेके चलेंगे। हम अपना मनमनी नहीं करेंगे। यहां कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जनता को हमको पूरा अच्छा, आधा जनता हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं। जनते ने हमको खड़ा किए हैं कि आप वार्ड में 5 साल आप चलाए अच्छा से चलाए, ऐसे आपकी बार आप मुखिया में खड़ा हुई है, हम लोग आपको सहयोग देंगे और अच्छा से आप चलाना, जैसे हम लोगों को चलाया वार्ड में ऐसे आप चलाना। चुनना चाहिए कि हमको पूरा सहयोग सब तरह से मिले और सब भरपूर हमको जनता से प्यार मिले और सब जो जनता हमको बोलेगा कि ऐसे मुखिया जी मेरा काम है ये हमको करवा दीजिए, तो हम तो नहीं करेंगे। जो देगा सरकार देगा, मेरा आदेश है, हम मेरा दस्तखते होगा, दस्तखत उसमें करेंगे। जो हमको जनता बोलेगा कि मेरा गली चाहिए, नली चाहिए, हमको पोखरी चाहिए, कुआं चाहिए, वो हम करेंगे। पंचायत चुनाव कवरेज के तहत बिहार राज्य के बांका जिला अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड में हम हैं। यहाँ एक पंचायत है सातपुर। यहाँ से निवर्तमान मुखिया है निभा कुमारी। उनके निवेदक संजय पंडित जी से थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप क्या एजेंडा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले बार भी आप मुखिया थे। हाँ, पिछले बार भी वर्तमान मुखिया थे जी। इस बार फिर एजेंडा लेकर आए हैं कि जो भी समाज विकास से थोड़ा कम रह गया उसको विकास करेंगे और सभी को घर घर तक लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। दो ही प्रत्याशी इस बार है, कड़ी हमने सामने की है। दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दा पर लड़ रहे हैं और विकास किए और विकास फिर करेंगे। अभी मेरे पंचायत में पेंशन जहाँ तक की है कि 1700 का पेंशन आदमी को मिल रहा है और राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। हाल फिल में 500 कार्ड बनवाए, करीब करीब कार्ड सबको मिल चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। बाकी 14 वार्ड मेरे यहाँ, 14 वार्ड में नल का काम पूरा हो गया है। हर वार्ड में गली नाली किसी का भी काम करवाए हैं। पर्सनल कभी रखते स्टेट सरकार जो भी जहाँ तक लाभ सबको दिलवाए हैं। कितने भी आप विकास कर दीजिए, फिर भी आजकल ग्रामीण ने क्या सीख लिया है, कहता है हमको क्या दिए मुखिया जी। ये हमको वाला समस्या जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और 80% वर्तमान मुखिया जो है चुनाव हार रहे हैं पूरे जिला भर में। इस पर जहाँ तक जनता का सोच है तो सब सोचता है कि हमको सबको पर्सनल लाभ मिले। अब जैसे एक घर में 4 परिवार है, एक ठो को मिला, दो ठो को नहीं मिल पाया, तो उसका मन सीता है कि हमको भी मिले। लेकिन सरकार का तो एक बार में देना संभव नहीं है, ताकि जो कि उसको इतना कोटा है, कोटे का अनुकूल काम करता है, सबको देना पड़ता है उसी में से। बिहार पंचायत चुनाव के अंतर्गत अब हम हैं बांका जिला के फुल्ली डूमर प्रखंड के पथड्डा पंचायत में। यहाँ से एक प्रत्याशी है जितेंद्र दास जी। ये पूर्व में भी 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं, फिर 1 टर्म में हार के कारण बाहर हो गए, फिर पुनः ये जो है चुनावी मैदान में हैं। नमस्कार सर। आपका जनता से क्या अपील है? जनता से मेरा अपील है कि मुझे अगर पुनः अवसर मिला तो मैं जनता के काम के लिए अपने शरीर का एक एक बूंद लगा दूंगा। विकास ही मेरा लक्ष्य है। मैं जनसेवा को चुना हूँ। शिक्षा जगत से हटकर मैं इस क्षेत्र में आया हूं और जीवन के अंतिम सांस तक जनसेवा करता रहूं। पिछले सत्र में मैंने जो काम नहीं कर पाया उसमें से मुख्य रूप से स्वास्थ्य उपकरण का निर्माण कराना, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना, किसान भवन का निर्माण कराना जैसे महत्वपूर्ण बात रह गई थी। बहुत काल रुके हुए थे और जनता के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को मैं व्यवस्थित करना चाह रहा था, लेकिन वह नहीं कर पाया। इसकी कसक मेरे दिमाग में अभी भी है। मैं चाहूँगा कि अब इस सत्र में मुझे जनता की सरकार बनाने का अवसर दे और मैं इन कार्यों को पूरा कर सकूँ, जिससे मुझे आत्मिक शांति मिल सके।
बिहार पंचायत चुनाव कवरेज के तहत आज हम फुल्ली डूमर प्रखंड में हैं। फुल्ली डूमर प्रखंड के फुल्ली डूमर पंचायत से ही एक युवा प्रत्याशी जिनका नाम है संजय मुर्मू जी, इनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, क्रमांक 6 पे है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जनता हमको सहयोग दे, हम विकास करेंगे। और जो वर्तमान मुखिया था वो विकास नहीं किया, उनके लिए हम विकास करेंगे। जनता मेरा सहयोग दे, बस मेरा सपना है जनता को हम सहयोग करेंगे। जहाँ वर्तमान मुखिया नहीं किया काम, वहाँ करेंगे काम। पूरे पंचायत में सर कहीं भी कल गए, क्या बोलते हैं, चेंगाखार ढकवा से लिया गए। जनता को ये करना है सर, 5 साल जीत गया लेकिन एक बार भी नहीं आया क्षेत्र घूमने के लिए। पंचायत चुनाव कवरेज के तहत बांका जिला अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड में हम हैं। ये बांका जिला का सबसे छोटा प्रखंड है। यहाँ से जिला परिषद उम्मीदवार संजीव कुमार देव जी से हमारी मुलाकात होने वाली है। नमस्कार संजीव। वैसे तो कहा जाता है कि जिला परिषद एक बार जीतने के बाद दोबारा वो फील्ड में घूमने नहीं आता, इसमें आपका क्या कहना है? और उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं आए, लेकिन हम हमेशा रहेंगे। सब दिन पहले से भी हम वहाँ बाजार में प्रखंड मुख्यालय में बैठकर सब लोगों का सम्मान करते रहे, सबका जो भी थोड़ा बहुत काम करा सके कराए हैं, और इससे भी अधिक बढ़ चढ़ कर हम कराएँ। अच्छा सभी जिसका हो, जो कि सबसे मिले, आम जनता से कोई भेदभाव नहीं रखे किसी से, सब जात पर जात सबको सबसे मिले। हम सबसे मिलते हैं, पहले से भी मिलते हैं और मिलते रहेंगे। जहाँ तक होगा हम काम करेंगे।